फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए एम स्टार ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी नहीं लेकिन तब भी अच्छी हूँ। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी कि कल हम ब्लॉग नहीं डाल पाए थे, कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से नहीं डाल पाए थे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बिना लेट किए हुए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर आए हैं नए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ अपने सीढ़ी पर, अपने अड्डे पे आके बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, रिलैक्स फील करती हूँ, तो मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे खुला खुला सा है, और अगर हवा चलती है थोड़ा बहुत भी तो यहाँ तक आती है, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है। ऐसे लगता है मैं बाहर हूँ, कमरे से, घर से यहाँ मैं बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कहीं बाहर गई हूँ, क्योंकि सारा दिन अंदर रहती हूँ, इतनी गर्मी रहती है। और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि इस टाइम कितना ज़्यादा मई चल रहा है, तो मई में बहुत बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। और इधर बीच तो मतलब दोपहर में लाइट भी कटने लगी है, तो काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ हैं। आप देख सकते हैं ये पिंपल्स मेरे गर्मी की ही वजह से है। किचन में गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है कि पसीना पोछते पोछते निकल आया है। फ़िलहाल इसको मैं ठीक कर लूँगी, बट गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा है। क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा आज ज़्यादा ही परेशानियों का पहाड़ एक तरीके से टूट गया मेरे ऊपर। पूछिए क्या मैं बताना चाहूँगी। आज पता है क्या हो गया फ्रेंड्स, आज पहली मतलब 8:30-9 बज रहा था, तो जैसे मैंने सोचा कि चलो डिनर की तैयारी करते हैं, वैसे ही जैसे मैं किचन में गई खाना बनाने के लिए, वैसे ही सिलेंडर ख़त्म, मतलब बेड टाइम ख़त्म हो गया। अब दिमाग बिल्कुल ख़राब, मतलब दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि 8:30 बजे रात में कौन सा सिलेंडर कहाँ से मिल रहा था। तो ये हुआ कि अब क्या करें, खाना कैसे बनेगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी आज। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से ऐसी मुसीबतें जब आ जाती हैं अचानक से बे टाइम, तो और ज़्यादा परेशानी झेलने के मतलब झेलनी पड़ती है। और उसी में इतना ही काफ़ी नहीं था, इसके बाद जब मैंने नल खोला तो पानी भी ख़त्म, पानी भी नहीं आ रहा था। लो जनाब, मतलब एक हंसी भी आ रही मुझको, मैं क्या बताऊँ, एक मुसीबत अभी गई नहीं उसकी, मतलब उसका टेंशन में लेके बैठी ही थी कि यार ये सिलेंडर इस टाइम ख़त्म हो गया, अब क्या किया जाए। उसके बाद पता चल रहा है कि पानी भी ख़त्म हो गया, पानी नहीं आ रहा है आज। आज सप्लाई, जहाँ से सप्लाई होती है पानी, वहीं से ही नहीं आ रही है। अब पता नहीं, रात में तो आया नहीं, शाम में नहीं आया, अब कल मॉर्निंग में आता है कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए मुझे हंसी आ रही है कि पहला तो सिलेंडर ख़त्म, दूसरा पानी भी ख़त्म, इतनी सारी मुसीबतें एक छोटी सी जान के ऊपर आई, तो सोचिए कैसे हैंडल करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने आपसे शेयर किया ही था, पहले ही बताया था कि यहाँ की पानी की अव्यवस्था को देखते हुए मैं पहले से ही प्रिपेयर रहती हूँ। तो मैं अपनी बाल्टी भरे रहती हूँ, एक बाल्टी भरे रहती हूँ, एक बाल्टी और थी तो वो अभी छत पे है, मैं लेके आऊँगी उसको भी हमेशा भरी रहूँगी। फ़िलहाल पानी ये कहिए कि मैंने स्टोर करके एक बाल्टी रखा हुआ है बड़ी बाल्टी में,
तो मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है, वॉशरूम के लिए काफ़ी है। बाकी मॉर्निंग में देखा जाएगा कि जो है पानी आता है कि नहीं, फिर वो सुबह का टेंशन है, सुबह लेंगे टेंशन वो चीज़। बाकी मैंने एक बाल्टी रखा हुआ है पानी, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने बताए थे आप लोगों से कि यहाँ के पानी की अव्यवस्था है, तो उसका तो चलिए ठीक है, बट ये दूसरी परेशानी भी तो आई ही। भले मैंने एक बाल्टी रखा, लेकिन पानी गर्मी है तो आज मैं नहाई भी नहीं, रात में पानी नहीं आया तो मैं कैसे नहाती। गरम गरम पानी आ रहा था जो स्टोर किया हुआ सुबह का था, और सुबह से लेकर शाम तक इतना ज़्यादा टंकी में मतलब इतना हीट किया होगा जिसकी वजह से पानी इतना ज़्यादा गर्म आ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म आ रहा। तो मैंने सोचा कि इस नहाने से अच्छा है कि ना नहाओ रात में, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो ये हुआ कि अब खाना कैसे डिनर किया जाए। तो बाहर से कुछ ऑर्डर किया गया था, रोटी सब्जी, पनीर की सब्ज़ी थी और परवल आलू की सब्ज़ी थी और तंदूरी रोटी थी, और सुबह का भी खाना था। तो सुबह का खाना नहीं खिलाया हम लोगों ने, बहुत थोड़ा सा ही खाना खाया। बाकी जो हमने ऑर्डर किया था वो अभी बचा हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, बता नहीं सकती इतनी ज़्यादा गर्मी है, खाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती। मतलब भूख लगी रहती है, ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगती है, बट खाना जैसे ही खाते जाता है इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, खाने की इच्छा नहीं करती है। तो इस तरीके से आज मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स मैं परेशान हो गई। और सही वही बात है ना, मुसीबतें जब आती हैं तो ढेर सारी आती हैं, थोड़ी सी नहीं आती हैं, मुसीबतों का एक चक्कर सा आ जाता है। तो यही सब है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने खा लिया था, और उस समय हमने शूट नहीं किया था क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो ये देखिए थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी बची हुई है, हम जूम करके दिखा देते हैं, देख सकते हैं। तंदूरी रोटी भी है, मैंने कहा इसको अभी भी गर्म है। यार बाहर का खाना खिलाता नहीं है, प्लस गर्मी भी है। तो फ्रेंड्स यही है, जैसे ही मैंने राधिका के लिए किचन में गई कि मैं कुछ बना दूँ उसके लिए, तो मैंने दलिया धुल के कुकर में बढ़िया से जब पकाने के लिए रखा कुकर बंद करके, वैसे ही सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो आज फिर हमने कहा कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, फिर दीदी से कहा जाओ नीचे पका के ले आओ, तो किसी तरीके से उसकी दलिया पका के ले आई थी, तो वो खा के सो रही, उसकी दलिया रखी हुई है और दूध भी है, तो खा पी लेगी, उसको खिला पिला देंगे। फिलहाल आज मुझे कुछ शॉर्ट वीडियो भी बनाने हैं और रील्स भी बनाना है इंस्टाग्राम के लिए, इसलिए अभी हम सो नहीं रहे हैं। हमने दोपहर में, मैं दोपहर में काफ़ी ज़्यादा सो ली थी, तो इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है, इस वजह से अभी हम जा रहे हैं रील्स बनाने, शॉर्ट वीडियो भी बनाना है। इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा, मेकअप बिल्कुल बहा जा रहा है टप 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 पसीने से, और चिपचिपा रहा बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार। मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसे लग रही हूँ। फिलहाल मैं चलती हूँ शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स शॉर्ट वीडियो बन गया है, और इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और अभी मैं जा रही हूँ फटाफट चेंज कर लेने, और फिर चेंज करके आप लोगों से मिलती हूँ। और बीच में राधु जब गई थी तो मैं सुला दी थी, और चलती हूँ चेंज करके, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स चेंज करके थोड़ा सा आराम लग रहा है, इस साड़ी में बिल्कुल इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि बाल पूरा भीग गया था, पीछे पूरा बाल भीग गया था, बाल एकदम गीला गीला हो गया है, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी है। कैसे मैंने शूट किया है मैं ही जानती हूँ। प्लीज़ शॉर्ट वीडियो को भी लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। फ़िलहाल
गर्मी से व्याकुल हूँ इस टाइम, बहुत गर्मी है फ्रेंड्स। और अब लग रहा है कि मैं जल्दी से सो जाऊँ, अच्छी सी नींद लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं थक गई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, सोऊंगी, क्योंकि राधिका कभी भी जग सकती है। कैसे सो रही है, तरीके से नींद ले रही है। शॉर्ट वीडियो जब मैं बना रही थी तो जग गई और देखी, तुरंत रोने लगी। फिर उसको मैंने टहला घुमा के सुला दिया, तब फिर मैंने कंप्लीट किया वीडियो को। फ़िलहाल अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है गर्मी की वजह से, प्यासी प्यास लग रही है। तो फ्रेंड्स, गुड नाइट अभी के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं सोने, आप लोगों से मॉर्निंग में मिलते हैं। और ये देखिए, ये गले का चैन अभी नहीं उतारे हैं, तो इसको भी उतार देते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। नेक्स्ट डे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, सिलेंडर आ गया, थोड़ा सा लेट में आया है, और आज पानी भी आ गया। तो जो कल मुसीबत आई थी, पहला कि जो सिलेंडर ख़त्म हो गया था वो, और पहला सिलेंडर ख़त्म हो गया था, दूसरा पानी भी नहीं आ रहा था। तो आज सिलेंडर भी आ गया और पानी भी मैंने भर लिया, पूरा पानी आ गया था। सुबह 4 बजे ही आ गया था, तो मैं जग ही रही थी। मैंने बताया था कल मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी, तो मैं जग रही थी। तो टेंशन भी थी कि अगर मैं सोती रह गई तो पानी आएगा भी तो मैं भर नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मैं सोई नहीं थी, मैं जग ही रही थी। मैंने कहा पानी भर कर ही मैं सोऊंगी। तो जो पानी आया 4 बजे सुबह में, मॉर्निंग में, सुबह ही सुबह, तो मोटर चलाया तो पानी आ रहा था, तो फिर मैंने पानी भर लिया था पीने के लिए। दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें पानी पीने का रखते हैं, तो ये पूरा फुल पानी, ये देख सकते हैं हिल नहीं रहा है, तो इसमें फुल पानी भरा हुआ है। जैसे ही पानी नहीं आया था सब धुल दिया था, किचन वगैरह, और देख सकते हैं कि गैस भी चल रही है। और इसमें हम चावल पका रहे हैं, इस समय चावल सब्जी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये ओट्स मैं बना रही हूँ राधिका के लिए। पाँच छः मिनट में पक जाता है आराम से, बहुत होगा तो 8 मिनट आराम से पक जाता है। और शादी का काफ़ी पसंद भी है, तो मैंने सोचा उसके लिए बना के रखूँ। और पक गया है, इसको हम निकालेंगे। और सीटी आ गई थी, तो चावल भी पक गया है। अभी सीटी है तो ये अभी जब तक खुद से निकल नहीं जाता है भाप अपने से, तब तक मैं भाप इसकी सीटी पूरा नहीं निकालूंगी, जिससे कि वो अंदर से पूरा अच्छे से पक जाएगा। राधिका कोट्स बन गया है, ऐसे ही पसंद है, सिंपल सा, जो कि बन के तैयार हो गया। अभी से हम निकाल देंगे। I'm not in love.
करेंगे। अब राधु तो हमसे प्यार करती नहीं है, अब हम इसी से प्यार करेंगे। नहीं हम नहीं देंगे, नहीं नहीं देंगे हम, नहीं नहीं नहीं। राधु कैमरे के सामने तुम और ड्रामा करते हो, डांट रही हो हमको, डांट रही हो कैसे, दब दब कर रही हो, डांट रही हो राधु। अब हम तुम्हारा फोटो नहीं लेंगे, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ मेरे पास मत रहो, जाओ अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से। जाओ बटो, जाओ हम तुमसे नहीं बात करेंगे, कत्ती कत्ती हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब राधु से हम नहीं बात करेंगे, हटो जाओ हटो जाओ, अब राधु से हम नहीं बात करेंगे, राधु मारती है और डांटती भी है हमको, हम राधु से बात ही नहीं करेंगे, राधु हमको बहुत डांटती है आज, कहती है दस्त, हम नहीं बात करेंगे, जाओ हम नहीं बात करेंगे, बिल्कुल नहीं बात करेंगे, नहीं बात करेंगे हम राधु से, अब नहीं बात करेंगे, पक्का नहीं बात करेंगे। हम राधु से नहीं बात करेंगे, चल कुछ 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 अच्छा 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 सॉरी 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 बोल रहे हैं, अच्छा बोल लो, अब हम बोलेंगे तुमसे, राधु बोलेंगे, पक्का बोलेंगे, अच्छा नहीं अच्छा, नाराज ना हो, नाराज मत हो, नाराज मत हो बेटू, क्यों नाराज हो गई तुम, अच्छा बात तो करेंगे। कैसे हंसती हो, थोड़ा हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, नाराज हो गई तुम, नाराज हो गई, अच्छा हंस दो, आओ तुम्हें चांद तुम्हें चाहिए, प्यार भरे सपने सजाए, ओ आओ तुम्हें चांद तुम्हें चाहिए, नहीं नहीं राधु को खाना, राधु तो फ्रेंड्स अभी हम सब्जी बनाने आए हुए हैं किचन में, और राधिका को कार्टून चला के छोड़ दिए हैं, राधिका कार्टून देख रही है, हम मोबाइल में कार्टून चला छोड़ दिए हैं, देखते हुए बैठी हुई है, लेकिन ध्यान लगा हुआ है कि कहीं गिर ना जाए,
टमाटर। खाना पीना बना रही है। खत्म हो गया क्या कार्टून? चेंज कर दीजिए। पापा शाम में हैं। मेरे पति देखो पापा।